manpower supply, so they have to pay the salaries, so they have to suffer some loss. So you said divergence cannot be through opportunities. Sir. No, no, what I'm saying is, what you are talking is, a business decision taken by the management. Management ने तो decide कर लिया कि मुझे Jio में जाना है, मुझे Pickle Fiber में जाना है, 4G में जाना है. लेकिन उसको ये पता है कि मेरे existing player जब तक वो Airtel लिया, Vodafone लिया, ये लोग हैं, इनसे मुझे जीतना है. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि management ने assess किया कि मुझे market penetrate करने के लिए क्या करना पड़ेगा. हाँ, तो मुझे हो सकता है शुरू में ऐसे कस्टमर फ्रेंडली कुछ प्लान लेके आने पड़ेंगे. मुझे ऐसा कस्टमर जो कि आज जुड़ नहीं रहा है, दो कस्टमर बेस हो गए मेरे, एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को मैं कैसे तोड़कर अपने पास लेके आ सकता हूँ, और एक ऐसा कस्टमर बेस जो कि अभी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको मैं कैसे अपने पास लेके आऊँ. मान लीजिए सब्जी बेचने वाला है, रिक्शे वाला है, उसको फोन अफोर्ड नहीं कर सकता था मान लीजिए किसी जमाने में. मैंने ऐसी स्कीम निकाली, उसकी जरूरत आदत डाल ली करके कि भाई ये आपको फोन 100 रुपये में 50 रुपये में मिल जाएगा. ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी होगी कि आप मार्केट में पेनिट्रेट कैसे करोगे. ये हो गई डिफरेंट वर्किंग लेवल आपकी. वो डाइवर्सिफाई किस फील्ड में करना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन है इंडस्ट्री लेवल पे कि क्या मैं ऑप्टिकल फाइबर में जाऊं या 4G में जाऊं या सैटेलाइट में जाऊं या रिन्यूएबल एनर्जी में जाऊं. ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि सपोज देश में क्या क्या पॉलिसी अवेलेबल है, क्या पॉलिसी बन रही है गवर्नमेंट की, उसमें मैं क्या कंफर्टेबल है, मुझे कहाँ मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा. देखिए इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं है, मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल दूंगा आपको. अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट डोर है, मान लीजिए वेट नहीं कर सकता मैं और मुझे अगले 6 महीने में कोई चीज़ चालू करनी है, तो मैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट तो कर नहीं सकता हूँ. अगर किसी को मैं अगर अभी आज पहले लैंड एक्वायर करूँगा, फिर मैन पावर रिक्रूट करूँगा, फिर किसी प्रोजेक्ट कंपनी को हायर करूँगा जो कि उसका बनने का समय मान लीजिए 12 महीने 18 महीने या 24 महीने में जाकर के प्लांट बनेगा, और अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो द इनऑर्गेनिक वे कि मैं किसी चलते हुए प्लांट को या तो पूरा एक्वायर करूँ, मैंने उसको खरीद लिया, या वो अगर नहीं खरीद पा रहा हूँ तो मैं उसके साथ जॉइंट वेंचर, मैंने उससे हाथ मिला लिया कि भाई ठीक है इक्विटी आप मेरे को कुछ बेच दीजिए, मैं पार्टनर बन जाता हूँ आपका. तो देर आर वेज एंड मीन्स हाउ टू एंटर इन टू ए पर्टिकुलर बिजनेस. अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरी कोर स्ट्रेंथ है इस बिजनेस में, मैं किसी का शेयर नहीं कर सकता अपना प्रॉफिट, ये तो मेरा ही पाई है, तो फिर मैं अकेला करूंगा, लेकिन उसमें जो टाइम लगेगा बता. तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप मार्केट में कहाँ पर खड़े हैं और कितनी जल्दी आपको उस स्टेज पे पहुँचना है.